सीना मैं अपनी बात बता रहे पहाड़ों में बैठ के मैंने वीडियो बनाई है पिछले कई दो तीन मिनट से मुसलसल हो रहा था, अब तो बहुत हो गया। मैं इतना कहानू की यार फायर वर्क देखने को अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो बचपन से ख्वाहिश थी कि यार पाकिस्तान का नॉर्थ जो है उसको बाइक पर विजिट किया जाए, जिसकी वजह से मैंने ये होंडा सिटी 150F बाइक खरीदा था कि चलो यार बिगिनर टूरिंग बाइक है, मैं इस पर ट्राई करूँ। लेकिन मेरा फर्स्ट टूर जो प्लान हुआ है वो फैसलाबाद टू हुंजा है, और एक टफ चैलेंज है, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक की दाद पूरा करेगी। तो बात ये व्लॉग ये सीरीज शुरू करने का मकसद है कि आपको बता रहा हूँ कि आपका भाई जा रहा है नॉर्थ में 150 को तैयार शर्ट करवाते, थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का लाइट सा मैंने करवाना है, क्योंकि मेरे साथ वो सीन नहीं है कि मैंने कोई बहुत मतलब ऑफ रोडिंग करनी है या इस तरह कोई चक्कर है। मैं निकल रहा हूँ, मैंने बाइक साइक का काम शाम करवाना है थोड़ा, उस पर लाइट वगैरह लगवाएँ, ज़रा आपको सेटअप सेटअप सारा दिखाते हैं, चीज़ें खरीदी हुई हैं, बस मैं करवाता अपने बंदे से काम और किसी के पास लेके नहीं जाता, क्योंकि मुझे एक तसली एक बंदे से होती है, तो उसके पास लेके जाऊंगा, उससे तैयारी शारी बाइक की करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है, आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमारा सफ़र खैरियत से गुजारे, हम खैर से जाएं, खैर से आएँ। पहले मैं जा रहा हूँ, पहले मेरा प्लान था दोस्तों के साथ, लेकिन दोस्त ने एंड पे जो है ना वो थोड़ा मुझे कहा कि मुश्किल है उसके लिए, तो इसलिए मैं अब निकल रहा हूँ। मैंने घर आके बताया कि मैं मेरी तैयारी पूरी है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। गर्म लगे थे तो गला की करण चल रहा हूँ, हम तेरे साथ हैं। तो मैं जाऊँगा बाइक के ऊपर, मैं उनसे पहले निकल जाऊँगा, वो बाद में आएंगे, पीछे से आएंगे, मैं यहाँ से जाकर रुकूँगा बालाकोट। तो लेकिन अपना फर्स्ट एपिसोड में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तो मैं फैसलाबाद टू नारान कवर कर लूँ। अभी हम लोग बाइक की तैयारी शारी में आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद टू मनसहरा जो है वो मैं नहीं चाहता था कि यार मैं एक डिस्टेंस कवर करूँ, तो यहाँ से मैंने निकलना पहले गुजरां वाले जाऊँ, फिर जीटी रोड के थ्रू इस्लामाबाद वगैरह, ये वो इन सारे झंझट से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ से बाइक को बस में रखवाऊँगा, बस से लेके जाऊँगा मनसहरा, मनसहरा से आगे मैं अपना सफ़र शुरू करूँगा। हेलमेट बाप के भाई ने ज़िंदगी में नहीं पहना, लेकिन अब पहनना पड़ेगा। तो हेलमेट की प्रैक्टिस मैं एक दो दफ़ा यहाँ पर पहन चुका हूँ, बाकी सफ़र के ऊपर ही अल्लाह पाक प्रैक्टिस भी करवाएगा, सफ़र पर शुरू करेंगे। तो चलते हैं जी आप आगे व्लॉग को, जो मेन चीज़ है उसको शुरू करते हैं, बाइक को जाके तैयार कराते हैं। बाइक का नाम मैंने पहले आपको किसी व्लॉग में नहीं बताया, इंग्लिश में मैं उसको मतलब उसको अगर मुझे कोई अंग्रेज टाइप बंदा पूछेगा तो मैं उसको नाम बताऊंगा रेड हल्क, बिकॉज ऑफ इट्स साइज़, उसका एक साइज़ ज़रा बड़ा है, तो और हल्क जो है वो तो वैसे भी, तो मैं उसको रेड हल्क कहता हूँ, लेकिन प्यार से हम सब उसको बुलाएँगे जग्गू। तो जग्गू को जाके तैयार श्यार करवाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, आपको मैं चीज़ें भी दिखाता हूँ, दिखा के वो सारी बाइकों को लगवा के इंशाल्लाह सफ़र में आपसे मुलाकात होगी। अब आते हैं मेरे जो सेटअप मैं साथ अपने कैरी करूँगा, मतलब ये चीज़ें जो मैंने बाइक के ऊपर जो मैं अपना समझता हूँ कि यार ये ज़रूरी हैं और बहुत ज़रूरी हैं, आपके साथ होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने ग्लव्स लिए हैं, ये अपना इसमें से यहाँ से ना हवा भी गुजरती है, मतलब हाथों को पसीना नहीं आता, तो गर्म इलाका हो या सर्द इलाका हो किसी किस्म का इशू नहीं है। उसके बाद ये लाइट्स हैं, मैंने मार्केट से पता किया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार सबसे अच्छा फोकस और सबसे अच्छी बेहतरीन लाइट इस वक्त मार्केट की है K6, पता नहीं इसको कहते हैं ये क्या कहते हैं, मैं कहा जो भी है, मैंने अपने इलेक्ट्रीशियन को कहा कि यार तू बस लगा दे, ये मेरे बाइक के ओरिजिनल साइड मिरर्स हैं, दूसरे भी मेरे पास हैं, लेकिन जो व्यू इनका है वो किसी का भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट व्यू आपको देते हैं, फ़ायदा भी इनका ही है, इनको ही लगाना चाहिए जो आपके बाइक के साथ ओरिजिनल आते हैं। उसके बाद ये एक मैंने एक्स्ट्रा बटन लिए, इसमें दो टाइप के बटन आते हैं, एक चाइनीज़ होता है, एक ये पाकिस्तानी आता है, तो चाइनीज़ जो है वो बेहतर है पाकिस्तान, ये चाइनीज़ का जो है वो ये फ़ायदा कि ये ना ज़रा क्वालिटी अच्छी है, आप दोनों को इकट्ठे देखेंगे ना तो आपको खुद ही डिफरेंस पता लग जाएगा, कोई 30-40 रुपये का डिफरेंस है यार दोनों में, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चाइनीज़ लें, ये ख़राब नहीं होता, पानी शानी किसी किस्म का भी इशू हो इसको कोई इशू नहीं होता। इसके बाद हम लोग चलते हैं ये मोबाइल होल्डर, इसके बाद हम लोग चलते हैं इस मोबाइल होल्डर की तरफ, ये मोबाइल होल्डर है, इसके साथ ही ना अच्छा मैं वहाँ पे गया, मैंने उनको जाकर कहा कि यार मुझे ना मोबाइल होल्डर दो और चार्जर दो, उन्होंने कहा कि एक बड़ी मज़े की चीज़ आई है, इसके साथ ही ना मोबाइल होल्डर के साथ ही ये चार्जर भी है अटैच है, मैंने यूज़ किया थोड़ा सा, बड़ा अच्छा चार्ज करता है फ़ोन को, आईफोन को भी यार ये ना
वो मसला नहीं, घबराने वाली की बात है। आईफोन के लिए भी बेहतर है, यहाँ से अटैच होता है, सब साइड्स पे घूमता है, वाइड भी होता है, इवन के इसमें टैबलेट तक इसके बीच में आ जाता है, ये इतना खुल जाता है। तो ये एक साथ ले रहा हूँ। अब आ गई हमारी मेन आइटम जिसके ऊपर मेरा व्लॉगिंग का ये लगा हुआ है, सारा सेटअप मैंने लगाया, अटैच किया इसके साथ। और ये कंपनी है जिकाई। जिकाई कंपनी का हेलमेट लेने की वजह ये है कि ये देखें, ये डॉट अप्रूव्ड हेलमेट है और ये बिल्कुल वाकई है अभी, तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। डबल वाइज़र है, ग्लासेस भी हैं इसके अंदर, ये इसकी विंडोज़ हैं, ये ओपन होती हैं इससे ताकि आपको गर्मी शर्मी ना लगे। फ्रंट पे इसकी बैक पे भी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी साथ है। तो बड़ी मज़े की चीज़ है यार, ये हेलमेट बड़ा कमाल है और इसका ये डिज़ाइन भी मुझे बड़ा पसंद आया था, बड़ा ढूंढ ढूंढ के लिया। ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अपने पैसे पूरे करता है। तो ये जी मेरा सेटअप है। अब यहाँ से आपको मैं ये सारी तैयारी शारी करके उसके बाद निकलूँगा, बीच में आपको आपसे बातें शातें करता रहूँगा। ये मैंने आपको सेटअप तो दिखा दिया, मुझे याद आया कि मैंने आपको भी कैमरा के बारे में नहीं बताया। तो इसको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा कैमरा जो है वो, मैं GoPro का मेरा बड़ा माइंड था कि GoPro की तरफ जाऊँ, लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि यार 13 Pro Max अल्लाह का शुक्र है मेरे पास है। तो बहुत ये मेरे ख्याल से कि वीडियो शूटिंग के लिए इनफ है, जितना इसका अच्छा कैमरा है और जितनी अच्छी इसकी स्टेबलाइजेशन है। तो मैंने डिसाइड ये किया कि मैं ये, मैंने किट मंगवाई थी, ये उसके साथ अटैच की है हेलमेट के साथ, इसको बड़े अच्छे तरीके से इसने काम किया, मैंने इसको ट्राई किया 2-3 दफ़ा। तो इसके साथ मैं कनेक्टर इसके साथ लगा के आई हूँ, ओरिजिनल कनेक्टर ताकि माइक चल सके। वैसे तो यार बड़ा इशू आ रहा है इसके अंदर, माइक के अंदर, वो ये इशू है जी कि अपना आजकल एरर आया हुआ है आईफोन के अंदर सॉफ्टवेयर का, कि माइक जो है वो कैमरे के साथ जब अटैच कर भी लो तो माइक काम नहीं करता। ओरिजिनल माइक काम कर रहा होता लेकिन एक्सटर्नल माइक जो है वो काम ही नहीं करता। तो मैं इस तरह ही ट्राई करूँगा, 2-3 दफ़ा ये सीन मेरे साथ हो गया, मैंने फिर चेक वगैरह किया, पता वगैरह किया, तो सब ने मुझे यही इशू बताया जी कि इसका ये इशू है। बाकी इंशाल्लाह अब यही मेरा सेटअप, ये टोटल सेटअप है जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैप्चर दी मोस्ट अमेजिंग व्यूज़ फॉर यू। बाकी जब यहाँ से चलेंगे तो इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे। जी खड़ा जग्गू, जग्गू के इस जगह पे इस रिफ्लेक्टर के साथ, दूसरे रिफ्लेक्टर के साथ मैं लगवाऊँगा लाइट, और इस जगह पे इसके लगेगा चार्जर। ये मतलब कि सिर्फ इसके साथ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, इसके अलावा और मैंने कोई इसको मतलब स्पेशल कोई चीज़ नहीं करवाई हुई कि ये भी करवाना है और ये भी करवाना है। बाकी जब वो साफ साफ करने खड़ा किया हुआ है, साफ किया माशाल्लाह रहता ही ऐसे, अल्लाह का शुक्र है। ये पेपर लगा हुआ है थोड़ा सा, ये ख़राब हुआ है इधर से, लेकिन ये बाकी साफ ही करवाएंगे अब जो भी करवाना हो। और यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं विद कोहिस्तान ट्रैवल्स। और इस गाड़ी को सिलेक्ट करने की वजह ये थी, क्योंकि मैं इस गाड़ी का ही वेट कर रहा था तो इसलिए मैंने दिन का टाइम सेलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने की वजह सिर्फ ये थी कि मेरा बाइक खड़ा होकर जा सके, क्योंकि मैं इसको लौटा के हरगिज़ नहीं लेके जाना चाहता था, मुझे डर था कि कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन इनके साथ मैंने सफ़र किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाइक सेफली अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुँच गया। हमने अपने बाइक राइड का आगाज़ किया मनसहरा टू बालाकोट रोड से, और इस रोड के ऊपर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईफोन का माइक एरर दे रहा है और हम उसको चेक भी नहीं कर सकते, तो मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सीन्स को एंजॉय करते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हैं। बालाकोट के रास्ते में मनसहरे का कुछ रास्ता बिल्कुल ऐसा है जिसकी लेफ़्ट साइड पे ये लाइन सी होती हैं। इस जगह पे बाइक को सफ़र करते हुए बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता और बाइक स्लिप हो रहा होता है ड्यू टू दीज लाइंस जो आपको रोड के दरमियान में नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा ख्याल करें, रोड कंडीशन थोड़ी सी यहाँ से रफ़ हो जाती है, लेकिन ये कोई ज़्यादा नहीं, 5-7 किलोमीटर का पैच है और इसको हम बआसानी कोई भी गाड़ी या कोई भी बाइक ईज़िली कवर कर सकते हैं।
यही कोई आधा घंटा सफ़र करने के बाद बालाकोट के खूबसूरत नज़ारे अपना मंज़र पेश करते हैं, जिसमें हमारे राइट साइड पे डिफरेंट कलर के पहाड़ नज़र आते हैं और एक खूबसूरत वादी हमारे सामने अपना मंज़र पेश कर रही है। इतने से सफ़र ने मुझे ये अंदाज़ा तो करवा दिया कि नहीं भाई, बाइक में और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है। बाइक एक मुकम्मल एडवेंचर और एक डिफरेंट किस्म का व्यू है, जो कि आपके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ होगा। ये व्यू है जी, इस टाइम मैं होटल पहुँचाऊँ, माशाल्लाह आपको जग्गू दिखाऊं किधर खड़ा है। ओ खड़ा है जग्गू, बड़ा ही खूबसूरत वेदर होता जा रहा है। वो उस साइड से आपको नजर आ होगा, बादल भी आ रहे हैं। ये होटल माउंटेन ट्रैक, हम लोग जब भी बालाकोट रुकते हैं तो इस जगह भी स्टे करते हैं। ये मेरा खाना आया पड़ा है, ये खाना छाना खाऊंगा यहाँ बैठ के खूबसूरत नज़ारों के सामने। वाह यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सीन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पहाड़ों में बैठ के मैंने वीडियो बनाई है पिछले कई दो तीन मिनट से मुसलसल हो रहा था, अब तो बहुत स्लो हो गया। मैं कह रहा था अनु कि यार फायर वर्क देखने को मिल रहा है, क्या वाह। पहाड़ों में एक अमेजिंग सीन, वाह वाह यार अमेजिंग। ओह वाह, ये मुसलसल कोई 5-7 मिनट हो गए हैं ये ना, हम जिस होटल में यहाँ बालाकोट हमने स्टे किया उस साथ वाले होटल में पहले कवाली नाइट हो रही थी, और अब यार दोस्त वो नीचे सामने ना वहाँ पे ये नीचे खड़े हैं सब, वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने फायर वर्क किया ही। अब आके रुका है कोई तकरीबन 5-7 मिनट चलने के बाद, लोग सारे बाहर आ गए कि ये हुआ क्या है। इतना खूबसूरत व्यू और ऐसा मज़े का सीन, यकीन करें मैंने शायद इससे वो देखो ऐसी कसर रही, मैंने पहले इससे कभी इतना खूबसूरत जो है ना सीन वो आज तक देखा ही नहीं है। क्या बात है, तकरीबन मुसलसल कोई 5-7 मिनट से ये हो रहा है, और एक होता है कि एक एक करके चलना, आपने देखा ही है, हाई खूबसूरत सीन हो रहा है।